परिस्थितियों में एक महिला का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फरुखाबाद के थाना कमालगंज के ग्राम फतेहपुर राव निवासी रामनिवास राजपूत की पत्नी मार्गश्री 45 वर्षीय का शव सुबह पेड़ पर लटका हुआ पाया गया, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। रामनिवास के गांव के पास नलकूप है, नलकूप के पास बरगद का पेड़ है। सुबह परिजन जब नलकूप के पास गए तो बरगद के पेड़ पर दुपट्टे के फंदे से लटका हुआ मार्गश्री का शव देखा तो परिवार में कोहराम मच गया। रामनिवास के 4 पुत्र हैं, सुनील, अनिल, हरिओम एवं गोपाल। पता चला है कि सबसे छोटा पुत्र गोपाल 15 वर्षीय 3 दिन से घर से लापता है, के चलते पूरे परिवारी जन परेशानी में है। पति रामनिवास का आरोप है उसकी पत्नी ने आत्महत्या नहीं की, उसकी हत्या करके शव को पेड़ से लटकाया गया है। सूचना मिलने पर क्षेत्राधिकारी अजय सिंह, थाना अध्यक्ष अजय नारायण सिंह, चौकी इंचार्ज संजय यादव घटना स्थल पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी। राहुल गुप्ता, फरुखाबाद, समाचार 24। पहले अपनी थाने एप्लीकेशन दो, उसके बाद मेरे बात कॉल करो। अच्छा, माँ का नाम क्या है? मार्गश्री। अच्छा, ये आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे कभी फांसी लगी? छोटे भाई को ढूंढ रहे थे हम, वहीं लेट गए घर पे। छोटा वाला भाई हरिओम और पापा जब आए उनके 5 बजे 6 बजे, तब इन्होंने देखा कि यहाँ मम्मी को मार के लटका दिया किसी ने। लगभग कितने बजे होंगे यहाँ पे आपको, यहाँ पे टंगी हुई बॉडी कितने मिली आपको? लगभग सुबह पाँच बजे। हरिओम, हरिओम। कौन सा गांव है? फतेहपुर राव साहब। आपकी माँ को कैसे किसने मारा, क्या हुआ है? संत राम पांच लड़का आए थे, मैं दौआ दू लड़का है, एक अवधेश मास्टर का और एक गजराज लड़का हो, इनने मारी लटका दो। और पापा मेरे हंसे नहीं है, हम अकेले थे, हमने जान लेना ही पा कितने मारी लटका। अभी तक कार्रवाई आप करते हैं? आज प्रातः जानकारी हुई कि फतेहपुर राव साहब गांव जो थाना कमालगंज के अंतर्गत है, वहां किसी महिला के द्वारा फांसी लगा ली गई है। मौके पर थाना कमालगंज के प्रभारी निरीक्षक एवं मैं स्वयं पहुंचा और जानकारी हुई कि मार्गश्री पत्नी श्री रामकिशन जी की, जिनकी आयु 50 वर्ष थी, अपने ट्यूबवेल के एक कटहल के पेड़ में रस्सी से लगा कर के फंदा फांसी लगा ली है। इस संबंध में मौके पर गहनता से जांच की जा रही है। तहरीर मिलने पर संबंधित अभियोग को पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तत्काल पोस्टमार्टम के लिए मृतका के सब को सम्मानपूर्वक उतार करके हॉस्पिटल पोस्टमार्टम हाउस रवाना कर दिया गया है। सर, महिला के जो पति हैं वो हत्या का आरोप बता रहे हैं, इस विषय पे तहरीर मिल रही है, मिल जाएगी तो उसकी गहनता से हर बिंदु का परीक्षण किया जाएगा और जैसा भी आफ्टर पोस्टमार्टम मेडिकल के आधार पे जो भी ग्राउंड निकल के आएंगे उस संबंध में आवश्यक। गाजीपुर में 2 मकानों में आग लग गई जिसमें लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं